हेलो दोस्तों, मैं क्लास थ्री का लेंथ वेट कैपेसिटी का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसमें पूरा मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ताकि समझाएं, आपको कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, दोस्तों लेंथ जो होता है ना, क्या क्या हो सकता है दोस्तों। लीटर तो कैपेसिटी का होता है, ये पहले छांट के हटा देना। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, और किलोमीटर भी होता है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है ना दोस्तों, चाहे मीटर होगा या लीटर होगा या ग्राम होगा, यही तीन है स्टैंडर्ड यूनिट। तो वन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ए का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, ये तीन आपको बताना। अगला, 10 लीटर इक्वल टू, दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 लीटर जो होता है, इधर हम कैलकुलेशन जाएंगे, समझो, एक्सप्लेनेशन कराएंगे, बताएंगे, यहाँ आपको टिक लगवाएंगे। 1 लीटर 1000 ml होता है, इसलिए 10 लीटर 10 × 1000, तो 1 1 जा 1, और 1 0 2 0 3 0 4 0, दोस्तों देखना 4 0 आएगा, क्योंकि 10 है ना लिखा हुआ, इसलिए पहले से 1 0 है और 3 0 और आया, तो कितना है, 1 2 3 4, 4 0 इसमें है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग बी का 3। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेट वेट, अप्रोक्सीमेट लगभग ऑफ एन एप्पल इज, एक एप्पल देखे होंगे दोस्तों, है ना, एप्पल, तो एप्पल का वेट लगभग कितना है दोस्तों। 3 kg का एप्पल तो होगा नहीं, ये फटा चढ़ गया। 2 kg का भी एप्पल नहीं होगा दोस्तों, हाफ के जी, 500 ग्राम, मतलब हाफ के जी का एप्पल, ये भी नहीं होगा, तो ये होने का ज़्यादा है लगभग, मतलब 150 ग्राम मैक्स लगभग होता है एप्पल का वेट, तो 3 हो जाएगा। अगला, 5 मीटर कैन बी द लेंथ ऑफ ए, दोस्तों 5 मीटर, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ सेंटीमीटर, ये देखिए, इसमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर, आप जितना छोटे बड़े छोटे बच्चे हैं ना, आप दोनों हाथ को अगर पूरा फैलाएंगे तो 1 मीटर होगा, है ना, तो यहाँ 5 मीटर बना था। पेन तो बहुत कम है, पेन तो सेंटीमीटर में होगा। सारी या क्या जी, ब्रेड स्लाइड, दोस्तों ब्रेड स्लाइड भी बहुत छोटा होगा, बुक भी बहुत छोटा होगा, तो सारी होने का चांस है 5 मीटर, तो डी का 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही था, ब्रेड स्लाइड भी छोटे होगा तो सेंटीमीटर में होगा दोस्तों। उसके बाद रिबन इज मेजर, दोस्तों रिबन आप जो से बाल में लगाते हैं लड़की लोग, तो देखे होंगे, या आप लड़की हैं तो आप खुद लगाते हैं रिबन, तो ये मीटर में होता है दोस्तों। यहाँ देखिए, मेजर करेंगे तो लीटर तो होगा ही नहीं, फटा छट जाएगा, के ग्राम भी छट जाएगा, ग्राम जो है ना दोस्तों वेट का होता है, और ये कैपेसिटी का होता है, और केजी भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि वेट का यूनिट है ना, तो चाहे एक ही है इसमें, मीटर बचा हुआ, तो यही हो जाएगा आंसर फर्स्ट, है ना दोस्तों। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको लेंथ का जो यूनिट क्या क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको हिंट पता चल जाएगा। लेंथ का क्या होगा, वेट, WEIGHT, वेट, तीसरा कैपेसिटी, CAPACITY, दोस्तों लेंथ का जो होता है ना, स्टैंडर्ड तो मीटर होता है ना, इसमें आप मीटर में सेंटीमीटर किलोमीटर ये जो भी हो, और वेट का जो होता है स्टैंडर्ड क्या होता है, ग्राम होता है, कैपेसिटी का स्टैंडर्ड लीटर होता है, आप मिलीलीटर हो, सेंटीमीटर हो, सेंटीलीटर हो, और इसमें ग्राम हो, किलोग्राम हो, क्या हो, नहीं हो, तो वो वेट का होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है मैं लिख दिया। अब 2 नंबर का, ए नंबर बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ ए, दोस्तों क्या दिया, ब्लैक बोर्ड, दोस्तों ब्लैक बोर्ड आप स्कूल में देखे होंगे, ब्लैक बोर्ड इस तरह से होता है, ऐसे, है ना, और ये काला काला टाइप से होता है, तो ब्लैक बोर्ड का लेंथ जो है ना दोस्तों, लेंथ है तो हम लोग इससे दोनों से लीटर या ग्राम तो दे नहीं सकते हैं, मीटर किलोमीटर यही होगा, तो दोस्तों मीटर होता है, क्योंकि छोटा होता है ना, तो मीटर होगा, है ना, तो दोस्तों मीटर पूरा तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, तो यहाँ एम लिख देता हूँ मैं, लिख ही देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, MET RE GRAM, लीटर, LI, TRE, दोस्तों यहाँ लिख दिए हैं स्टैंडर्ड यूनिट, पूरा लिख दिए हैं ग्राम या लीटर, तो एम फॉर मीटर। उसके बाद बी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, वेट ऑफ अ मोबाइल फोन,
दोस्तों वेट मतलब वजन, तो इसका मतलब मीटर या लीटर नहीं दे सकते हैं, वजन वेट जो होता है ग्राम में होगा, क्योंकि मोबाइल फोन बहुत कम होता है, तो इसमें ग्राम होगा, जी आंसर होगा। उसके बाद सी नंबर में है डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ अर्थ एंड मून। दोस्तों बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो हम लोग को कैपेसिटी या वेट नहीं होगा, इसमें लेंथ होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए किलोमीटर होगा इसका फुल, किलोमीटर। डी नंबर में है वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस फ्रॉम टू ऑरेंज, दो ऑरेंज का वॉल्यूम कितना होगा? दोस्तों मीटर में तो होगा नहीं, वेट या कैपेसिटी। दोस्तों वॉल्यूम बताना है ना, तो इसका मतलब लीटर बताना है, क्योंकि ऑरेंज का है इसलिए ML होगा, मिली लीटर होगा, है ना। ई नंबर में क्योंकि ऑरेंज का बहुत कम है, लीटर तो होगा नहीं। क्वांटिटी ऑफ राइस नीडेड फॉर अ फैमिली ऑफ थ्री, थ्री फॉर अ वीक, मतलब थ्री फोर, थ्री मतलब तीन फॉर अ वीक, एक तीन आदमी का एक वीक सप्ताह के लिए राइस चाहिए दोस्तों। तो क्या दिया? क्वांटिटी दिया हुआ है ना, तो क्वांटिटी जब बोल दिया है तो ये भी वॉल्यूम होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ क्वांटिटी दोस्तों, तो यहाँ राइस, तो इसमें वेट हो जाएगा, है ना। तो वेट हम लोग क्या भरेंगे? ग्राम भर देते हैं, क्योंकि ये थ्री आदमी का सप्ताह के लिए लिया है, तो इसलिए केजी हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एफ नंबर में लेंथ ऑफ साड़ी, दोस्तों साड़ी का लीटर या ग्राम नहीं हो सकता है, तो चार मीटर होगा, है ना, एम फोर मीटर। उसके बाद जी नंबर में वेट ऑफ एन आइस बॉक्स, दोस्तों वेट बोला है ना, तो वेट मतलब ग्राम होगा, लीटर या मीटर नहीं होगा, है ना। आइस बॉक्स है दोस्तों, ये तो केजी होगा। उसके बाद है एच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ फिटिंग, बोतल में है दोस्तों, कि क्वांटिटी है तो लीटर, तो बोतल में है कम है, तो ML हो जाएगा, मिली लीटर। नेक्स्ट है थ्री नंबर में, थ्री का ए दोस्तों सेवन केजी को ग्राम में चेंज करना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 kg 1000 ग्राम होता है, इसलिए 7 kg हो जाएगा दोस्तों, कितना? 7000 ग्राम, ए नंबर का। बी नंबर में दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है ना, तो 11 मीटर 1100 सेंटीमीटर। सी नंबर में 1 लीटर मिलीलीटर में चेंज करते, दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 5 लीटर 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में 1 kg दोस्तों 1000 ग्राम होता है, लेकिन 10 kg है ना, तो 10,000 ग्राम, ध्यान देखना दोस्तों, इसमें इसमें पहले से 10 था यहाँ, है ना, इसलिए 3 0 और लगाए। उसके बाद ई नंबर में 9 मीटर सेंटीमीटर में 1 मीटर 100, तो 9 मीटर 900 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट फाइव फोर नंबर है दोस्तों, द लेंथ ऑफ अ क्लोथ इज 1 मीटर 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वेट, वेट इफ द वेट दिया हुआ है दोस्तों 1 मीटर है ना 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। दोस्तों ये जो है लेंथ जो है ना, इससे ज़्यादा बोला है, तो पहले दिया है द लेंथ ऑफ, वेट दिया हुआ है दोस्तों, है ना, वेट ऑफ क्लोथ इक्वल टू दिया कितना दोस्तों 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब बोला है लेंथ ऑफ क्लॉथ इतना मीटर मोर, तो अब दिया है लेंथ, मोर लेंथ, यहाँ लिख देता हूँ मोर देन इट्स वेट, कितना मोर देन देता था 1 मीटर ज़्यादा है 12 सेंटीमीटर, इसलिए द लेंथ ऑफ क्लॉथ हो जाएगा कितना दोस्तों, ऐड कर देंगे CM, 2 + 0 = 2, 5 + 1 = 6, 1 + 1 = 2, तो 2 m 62 cm हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट है फाइव नंबर दोस्तों, अ फ्रूट सेलर परचेज 19 kg 750 ग्राम एप्पल एंड 25 kg 525 ग्राम मैंगो इफ
ही सेल 11 kg 600 ग्राम एप्पल एंड 23 kg एंड 350 ग्राम मैंगो। दोस्तों इतना खरीदा, इतना सेल किया, इतना खरीदा फिर इतना सेल किया। फाइंड द वेट ऑफ फ्रूट लेफ्ट बी। दोस्तों इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें ई सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचा हुआ है ना वो दोनों को ऐड कर देंगे, ये बचा हुआ मिल जाएगा उसके पास। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, वेट निकालना है, वेट ऑफ एप्पल इक्वल टू 19 kg 750 ग्राम, ये है वेट, है ना। उसके बाद ये दोस्तों वेट परचेज वाला है, उसके बाद है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे फिर वेट सेल वाला। दोस्तों ये एक्चुअल एडजस्ट नहीं हुआ तो हम लोग परचेज एप्पल लिख देता हूँ पहले। द वेट ऑफ परचेज एप्पल एप्पल इक्वल टू 19 kg 750 ग्राम। उसी प्रकार से द वेट ऑफ सेलिंग एप्पल सेल्स एप्पल कितना है दोस्तों, तो सेल किया है दोस्तों इतना एप्पल, तो 11 kg 600 ग्राम। तो यहाँ फिर हो जाएगा द वेट ऑफ लेफ्ट बचा हुआ एप्पल कितना बचेगा दोस्तों, तो जीरो में जीरो कटेंगे तो जीरो, फाइव में जीरो कटेंगे तो फाइव, सिक्स सेवन में सिक्स कटेंगे तो वन, और यहाँ दोस्तों नाइन में वन कटेंगे तो एट, तो 8 kg बटेगा 150 ग्राम। दोस्तों ये डैश डैश जो है ना यही वाला है आपको लिखना है तीनों जगह, मैं बहुत लंबा हो जाता है वीडियो इसलिए, क्योंकि यहाँ दो दो सवाल कनेक्ट किया हुआ है। फिर आप लिखेंगे द वेट ऑफ द वेट ऑफ परचेज क्या, तो मैंगो कितना है दोस्तों 25 kg है ऑन 525 ग्राम। वे द वेट ऑफ सेल्स मैंगो कितना है दोस्तों 23 kg 345 ग्राम। तो यहाँ भी लिख देंगे द वेट ऑफ लेफ्ट मैंगो, फाइव में फाइव जीरो घटाएंगे, फाइव में फाइव घटाएंगे जीरो, दोस्तों टू में फोर नहीं घटाए, ऐसे कैरी लेंगे ट्वेल्व में फोर घटाएंगे तो एट, क्योंकि यहाँ कैरी दिए थे तो फाइव में वन कैरी दिए, फोर फोर में थ्री घटाएंगे तो वन, और केजी में हो जाएगा थ्री, फाइव में थ्री घटाएंगे तो टू और जीरो, तो 2 kg बचा हुआ है 180 ग्राम। अब हम लोग को निकालना है दोस्तों फाइंड द वेट ऑफ फ्रूट लेफ्ट सोल, लेफ्ट बी सोल कितना बचा हुआ है, तो टोटल द वेट ऑफ द टोटल वेट, द टोटल वेट ऑफ लेफ्ट फ्रूट, लेफ्ट दोस्तों देखिए ये भी बचा हुआ है ये भी बचा हुआ है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 kg 525 ग्राम, 2 kg 180 ग्राम, तो 5 + 0 = 5, 8 + 2 = 10 का जीरो कैरी 1, 5 + 1 = 6 = 7, और केजी में हो जाएगा 8 + 2 = 10, तो ये लिखा जाएगा, ये हो गया दोस्तों। इसमें किया क्या दोस्तों, ये जो यहाँ बचा हुआ था ना देखा, और इसको दोनों को क्या किया, जो बचा हुआ था बचा हुआ वाले को ऐड कर दिए, है ना, तो ये टोटल निकल गया दोस्तों। यहाँ मिस हुआ है 150 उतारना था, कितना उतार लिए हैं, 8 kg सही उतारे हैं, या 150, तो दोस्तों यहाँ कुछ ये सही उतारे हैं 2 180, 0 + 0 = 0 होगा, 5 + 8 = 13 × 3 = 1, 1 1 2 1 3, और यहाँ 18, ये सही है, 110 kg है दोस्तों 330 ग्राम, मिस हुआ था दोस्तों यहाँ, सॉरी इसके लिए। उसके बाद 6 नंबर में है दोस्तों, री अबाउट 5 kg ऑफ
almonds, she gave 800 gram to her maid and 1 kg 300 gram to her neighbor. दोस्तों इतना खरीदा, इतना दिया, इतना दिया, तो उन्होंने दो टोटल कितना पहले यहां लिख लेते हैं, रिया बाउट अलमोंड. दोस्तों धीरे से लेते हैं, आप क्वांटिटी भी लिख सकते थे, 5 kg 00 gram लिख देता हूं. और इन्होंने अपने मेड को दिया, सी गिव टू हर मैड एंड, और किसको दिया, नेबर को दिया, 800 gram दिया है ना अपना मेड को, और अपने मेड को और नेबर को कितना दिया, 1 kg दिया, 300 gram दिया. 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 8 + 3 है ना 11 × 1 = 2, मतलब 2 kg 100 gram उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब दे दिया. तो उन्होंने खरीदा कितना था, 5 kg. तो यहाँ बताना है कि लेफ्ट, तो लेफ्ट रिया हैज लेफ्ट अलमोंड, दोस्तों कितना था उसके पास, 5 kg था, 00 gram था, देना कितना है और दिया कितना, इतना दिया, इतना 100 gram दिया. दोस्तों ये दोनों दिया है इसलिए दोनों को ऐड किए हैं, है ना, इतना दिया, इतना दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसमें फिर माइनस करते, फिर जो आता फिर इतना माइनस करता, तो उससे अच्छा हम लोग पहले ऐड ही कर लिए. 0 में 0 घटाएंगे तो 0, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो दोस्तों 0 हुआ, लेकिन यहाँ जो 1 है नहीं घटा, तो इससे कैरी लेंगे, है तो कैरी लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इतना, लेकिन यहाँ कैरी लिए थे, अब यहाँ बचेगा कितना, क्योंकि कैरी लिए तो 1 में 1 घटाएंगे तो 1 हुआ. और यहाँ दोस्तों जब यहाँ केजी लिखे हैं, ग्राम लिखे हैं, तो 3 0 देना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ एक और 0 दे देता हूँ, है ना, तभी यहाँ घटेगा ना, तो घटेगा ही नहीं. 0 में 0 घटेंगे 0, यहाँ भी 0 0 में जीरोगे, यहाँ से केरी लिए दोस्तों, यहाँ 10 हुआ, 10 में 1 घटाएंगे तो 9, मतलब 900 ग्राम. और 2 में 2 घटाएंगे तो, सॉरी यहाँ बचेगा कितना, 5 में 1 दे दिए तो 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2. दोस्तों ये सवाल था ना ट्विस्ट वाला है, इसीलिए दिया है बनाने के लिए, देखिए है ना बहुत अजीब टाइप से है सवाल यहाँ दोस्तों, क्योंकि 1 kg जो है ना 1000 ग्राम होता, तो 1000 में 100 ग्राम था, 900 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए ऐसा हुआ. नेक्स्ट बता रहा हूँ, बहुत लंबा हो रहा दोस्तों. सिलू वांट टू प्रिपेयर अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हरसेल्फ, सिलू ने कोल्ड ड्रिंक बना रहा, सी पोर, उन्होंने उढ़ेला तो डाला 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर, 75 ml ऑफ रोज सरप एंड 300 ml ऑफ मिल्क इन ग्लास. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक सिलू हैज मेड. तो हम लोग लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ किसका, पहले कोल्ड वाटर, कितना है दोस्तों 200 ml, उसके बाद फिर क्वांटिटी ऑफ कितना है दोस्तों 75 ml, फिर क्वांटिटी ऑफ किसका है मिल्क, कितना है दोस्तों 300 ml हम लोग निकालना है, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी निकालना. ऑफ किसका दोस्तों, तो व्हाट इज द कोल्ड ड्रिंक का निकालना, तो 5 + 0 = 0, तो 5, 7 + 0 = 0, तो 7, 3 + 2 = 5, 575 ml निकला दोस्तों. नेक्स्ट 8 नंबर बना रहा हूँ.
ऐड करना है दोस्तों ए नंबर को 17 kg 158 ग्राम, 11 kg 342 ग्राम, 14 kg 250 ग्राम ऐड करना है दोस्तों। तो 8 + 2 10 + 0, 10 का 0 कैरी 1, 5 + 5 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, 2 1 3 3 6 1 7 750 ग्राम हो गया। और केजी में 7 + 1 8 + 20 12 का 2 कैरी 1 2 3 4 42 kg 750 ग्राम आया। बी नंबर बता रहा हूँ 7 मीटर 350 सेंटीमीटर 21 मीटर 46 सेंटीमीटर 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। दोस्तों अरेंज आप अच्छे से कीजिएगा, 6 + 6 5 + 5 10 + 6 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 4 8 1 9 96 सेंटीमीटर हो गया। और मीटर में 7 1 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 31 मीटर 96 सेंटीमीटर। 9 नंबर में है, सब्ट्रैक करना है दोस्तों, फ्रोम वालों को पहले लिखते हैं, ये फ्रोम इतना है तो 17 लीटर 736 मिलीलीटर 9 लीटर 350 मिलीलीटर सब्ट्रैक करना है। 6 में 0 घटेंगे तो 6, 3 में 5 नहीं घटेगा दोस्तों, इसे कैरी लेंगे 13 हो गया तो 13 में 5 घटेंगे तो 8 8, यहाँ दोस्तों कैरी देते तो 6 में 3 घटेंगे तो 3, ये ml आया। और यहाँ 7 में 9 नहीं घटे, ऐसे कैरी लेंगे तो 17 हो गया तो 8 हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर बता रहा हूँ 100 मीटर 75 सेंटीमीटर 76 मीटर 25 सब्ट्रैक करना है दोस्तों। तो सेंटीमीटर में 5 में 5 घटाएंगे तो 0, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 और मीटर में हो जाएगा 0 में 6 नहीं घटेगा ना, कैरी लेंगे तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 दोस्तों। यहाँ कैरी दे दिए हैं तो 10 में कैरी दे दिए तो 9, 9 में 2 घट 9 में 7 घटाएंगे तो 2 दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू।